हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है कम्युनिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और ये मैं आपको यूजीसी नेट एग्जाम पेपर वन की कंप्लीट कोचिंग कराऊंगी। और इसके अंदर अब हम जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने कम्युनिकेशन एंड रिसर्च कंप्लीट किया है। अब जो है हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड इज, यानी कि ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन पूछिए कि वर्ड की एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है। हमारी दो तरीके की डेफिनेशन होती हैं किसी भी चीज की। एक हमारी होती है सब्जेक्टिव और एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज के बारे में एक्सप्लेन आपको करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको सिर्फ जैसे कि चार ही ऑप्शन दिए जाते हैं ना एमसीक्यू में, ऐसे आपको चार ऑप्शन ही दिए जाते हैं या फिर आपको उन्हीं में से जो है चूज करना है, ये आपका क्या होता है ऑब्जेक्टिव होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमारी डेफिनेशन होती है वो सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन सब्जेक्टिव डेफिनेशन जो होती है वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, सब अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन वगैरह को देते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन वर्ड के लिए क्या है, क्या एक इनडायरेक्ट मीनिंग है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने क्या बता किया है कि सबके लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मीनिंग है, नहीं, कोई भी डायरेक्ट मीनिंग हमें इससे नहीं पता चलता। नेक्स्ट वन इज कोनेटिव। कोनेटिव यानी कि कोई अदर मीनिंग देना किसी भी चीज से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि आप जो है एप्पल अगर हम बोल रहे हैं तो हम क्या इसका दूसरी चीज ये भी बता रहे हैं कि क्या है हमारा फ्रूट है। ठीक है, एप्पल क्या है? फ्रूट है, हम इसको ये कह सकते हैं। लेकिन डिनोटिव मीनिंग क्या होता है? डिनोटिव यानी कि सेम मीनिंग, उस वर्ड से रिलेटेड ही सेम मीनिंग दिया जाएगा, यानी कि सेम उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपको बताया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या होती है एक वर्ड की? डिनोटिव होती है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट मीनिंग ही दिया जाएगा और इसीलिए हमारा डिनोटिव जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज द सब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है। पहले हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा था लास्ट क्वेश्चन में, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछा है। सब्जेक्टिव यानी कि सबका अपना अपना तर्क या विचार, जो भी वो करना चाह रहे हैं, जो भी वो एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी होती है। तो यहाँ पर जो है हमसे सब्जेक्टिव पूछा गया है किसी भी सब्जेक्टिव मीनिंग क्या है एक वर्ड का, वो कोनेटिव है। यहाँ पर जो है एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग आपको बताए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने लास्ट इसमें एग्जाम्पल दिया कि एप्पल क्या है, एक फ्रूट भी है, ठीक है, एप्पल एक कंपनी का नेम भी है। तो ये चीजें क्या है, आपको एक ही वर्ड के अलग 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 मीनिंग आपको दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन फीडबैक। फीडबैक को इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन करता है? फीडबैक यानी कि जो आप रिस्पॉन्स वगैरह दे रहे हैं उनमें से ही कौन सा हमें बताएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओनली, क्या हम सिर्फ फीडबैक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में दे सकते हैं? हम वर्बल बोल के भी तो बता सकते हैं ना किसी को उसका आंसर, अगर उसने हमसे कुछ पूछा है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल नॉइस। नॉइस का तो यहाँ पे कोई मतलब कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाएगा नॉइस, क्योंकि हमें जो है फीडबैक के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉइस तो क्या होता है, बैरियर होता है कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं कोई शोर वगैरह हो रहा है या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल इशू आ रहा है, आप मैसेज सेंड कर रहे हैं वो सेंड ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रिसीवर रिस्पॉन्स, यानी कि वर्बल फॉर्म में या नॉन वर्बल फॉर्म में रिसीवर को रिस्पॉन्स देना। और नेक्स्ट आता है वर्बल फॉर्म के अंदर कम्युनिकेशन करना ओनली। ओनली यह है तो यानी कि हम क्या है नॉन वर्बल फॉर्म में भी करते हैं। फर्स्ट नॉन वर्बल है, नेक्स्ट हमारा वर्बल है, हम दोनों फॉर्म में ही क्या करते हैं, रिसीवर जो है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टर्म क्रोनोनॉमिक्स इज यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, यानी कि इनमें से कौन से वर्ड के लिए जो है क्रोनोनॉमिक्स जो है वर्ड यूज किया गया है? स्मेल, स्मेल यानी कि सूंघने के लिए, टेस्ट, या फिर टाइम के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव के लिए, आपको चार ऑप्शन। हमें ये पता है क्रोनोलॉजी क्या होता है, यानी कि एक एक क्रम में आप किसी काम को करेंगे, यानी कि एक वे में आप एक काम को करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है टाइम से रिलेटेड बात की गई है, किसी भी मैसेज में क्रोनोनॉमिक्स क्या होता है यूज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, यानी कि यहाँ पे टाइम को यूज किया गया है, टाइम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस ए रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर रिसीवर कौन है? इज ए चैनल, क्या कोई चैनल है रिसीवर? नहीं।
डिकोड्स ए मैसेज, जो उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन में, क्या वो क्या है, हमारा रिसीवर है। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु एनकोड्स ए मैसेज या एनकोड्स एन आइडिया, एक आइडिया को जो एनकोड कर रहा है, क्या वो रिसीवर कहलाता है, वो सेंडर होता है हमारा। कौन होता है वो? सेंडर होता है, जो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, एनकोड करेगा, उसको हम सेंडर कहेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसेज इंटरफेरेंस, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है कि मैसेज आपके पास पहुंचाया जा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो कि डिकोड्स ए मैसेज। ए रिसीवर क्या होता है, वो डिकोड करता है मैसेज को, वो अंडरस्टैंड करता है उस मैसेज को जो कि सेंडर ने क्या किया है, हमें सेंड किया है। सेंडर हमेशा एनकोड करता है मैसेज को और रिसीवर हमेशा डिकोड करता है मैसेज को, यानी कि वो अपनी फॉर्म में उसको जो है ट्रांसलेट करता है और फिर उसको जो है समझने की कोशिश करेगा। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।